सब्सक्राइब बटन को दबाएं और फिर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे और नोटिफिकेशन आता रहे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दुष्यंत रघुवंशी है। मैं ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुरहानपुर में कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पद पर अभी काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एज अ जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के पद पर काम कर रहा था। आज 4 फरवरी 2021 है। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे, तो मैं आप सभी को ऑल इज वेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राम प्रसाद घड़ियाल पहाड़ी फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड कैंसर डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये कैंपेन हम रन कर रहे हैं ऑल इज वेल हॉस्पिटल और राम प्रसाद घड़ियाल पहाड़ी फाउंडेशन की ओर से, जिसमें हम कैंसर के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। सो बेसिकली इट्स एन अवेयरनेस कैंपेन। अब आइए हम कैंसर के बारे में बात करते हैं। कैंसर क्या है? आजकल मॉडर्न जमाने में कुछ कुछ ही बीमारियां हमको ज्यादा सुनाई देती हैं, जैसे डायबिटीज, कैंसर, अभी आजकल कोविड-19, ये सब बीमारियां चल रही हैं। कैंसर एक मॉडर्न जमाने की बीमारी है। आज की तारीख में हर 4 में से एक इंसान कैंसर के कारण मौत के घाट उतरता है। और इसमें भी देखा जाए तो मुख्यतः लंग कैंसर, और महिलाओं में बात किया जाए तो सर्विक्स और ब्रेस्ट का कैंसर। ठीक है, क्या है कैंसर? कैंसर को डिफाइन करें तो कैंसर इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ और एबनॉर्मल सेल डिवीजन विच हिंडर्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी और नॉर्मल सेल्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है जो कि अपने शरीर में हो रही है, जिसके कारण जो हमारे शरीर का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो इफेक्ट होती है। अब किस किस तरह के कैंसर है और कौन कितने तरह के कैंसर है? हमें 200 से अधिक कैंसर आज तक नोटिफाई हुए रखे हैं, जिनमें कि सबसे कॉमन है लंग कैंसर। उसके बाद महिलाओं में बात करें, सबसे कॉमन है सर्विक्स का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर। और भी कई तरह के कैंसर होते हैं, दाढ़ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, दिमाग का कैंसर, खून का कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। अब कैंसर तो है, अब कैंसर के कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि हमें कैंसर होने की संभावना है। कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कोई घाव है जो भर नहीं रहा, ठीक है, टट्टी पेशाब करने में तकलीफ होना, पेशाब में खून निकलना, टट्टी में खून निकलना, खांसी बंद ना होना, ठीक है, मुंह के अंदर भिन्न भिन्न तरह के पैचेस, मोल्स, शरीर पे मोल्स, उनका बढ़ना, गांठ होना, महिलाओं में बात करें तो ब्रेस्ट पर गांठ होना, दोनों ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाना, शरीर में कहीं पर भी गांठ बढ़ती जाना, तो ये सारे कैंसर के लक्षण हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि इन लक्षण होने के बाद अपना एग्जामिन कैसे करें। तो जैसे ओरल कैविटी की बात करें, तो ओरल कैविटी में अगर आप किसी रिस्क फैक्टर से ग्रसित हैं या किसी रिस्क फैक्टर का आप में सेवन करते हैं या कुछ है ऐसा, तो हर 6-8 महीने में आपको आपका ओरल कैविटी चेक करना होता है कि वहां सफेद पैच, लाल पैच या ब्लैक पैच तो नहीं है। दूसरा, महिलाओं के लिए ब्रेस्ट, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महिलाओं को हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हर 6-8 महीने में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। दूसरी बात, अब कैंसर, तो कैंसर होता कैसे है? बहुत सारे कॉजेस हैं कैंसर के और उससे ज्यादा रिस्क फैक्टर है। कॉजेस में पहला, हेरिडिटरी, मतलब आपके खानदान में ही लंबे समय से कैंसर चला आ रहा है तो आपको भी उसका रिस्क है। हेरिडिटरी के बाद वायरल कॉजेस, बैक्टीरियल कॉजेस, केमिकल कॉजेस, इंडस्ट्रियल कॉजेस, फिजिकल कॉजेस में यूवी रेडिएशन, ठीक है, और सबसे कॉमन कॉजेस है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। टोबैको का सेवन कैसे भी, या आप चबाए या उसे बीड़ी सिगरेट के रूप में उपयोग करें, दोनों ही बहुत ही घातक है।
tobacco or cigarette or बीड़ी smoking is very injurious. ये हर जगह हर कैंसर में रिस्क फैक्टर है. दूसरा obesity, स्ट्रेस, lack of sleep, proper diet नहीं लेना, ये सब कैंसर के causes हैं. इन ये सब चीजें कैंसर को बढ़ावा देते हैं. ठीक है, बेसिकली दे आर causes as well as risk factors. ठीक है, pollution हो गया, ये भी एक risk factor है. अब इनका इनसे बचे कैसे, ठीक है, prevention कैसे हो कैंसर का, ये तो आपको मैंने बताया कि कैंसर कैसे होता है, किन किन तरह का होता है, क्यों होता है. अब इससे कैसे बचे, तो एक डॉक्टर्स ने एक प्रिंसिपल बनाया है कैंसर प्रिवेंशन का, उसको बोला जाता है अर्न प्रिंसिपल. अर्न इज EARN, अर्न प्रिंसिपल. ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड, आर फॉर रेस्ट एंड एन फॉर न्यूट्रिशन. सो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ओबेसिटी, एथेरोस्क्लेरोसिस, अर्थराइटिस, बहुत सारे बीमारियों से आप ग्रसित नहीं होते. एटीट्यूड, अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेरे रहेगी, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. स्ट्रेसफुल इवेंट्स और चीजों का अवॉइड करें. ठीक है, आर से रेस्ट, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको नींद लेनी ही चाहिए. अगर आप नहीं लेते हैं तो इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी, कोई ना कोई लंबी बीमारी इस चीज से हो सकती है. और न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि बोला गया है, अगर किसी को कैंसर होता है या कैंसर के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह खाना चाहिए. और एक दिल्ली में एक सर्वे हुआ था अभी पिछले कुछ दिनों में, उसमें ऐसा आया है कि 30-40% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस ऑफ दिल्ली आर कमिंग अंडर ओबेस कैटेगरी. सो आजकल लोग जन जो नए युवक हैं, बच्चे हैं, वो जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो उनसे भी मैं बोलना चाहूंगा और उनके घर वालों से भी विनती करना चाहूंगा कि ऐसा ना कीजिए. फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए. तो प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज इज अ की टू हेल्दी लिविंग. दूसरे पर बात करें कुछ फैक्ट्स की, पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ट्रीटमेंट में अगर जिसको कैंसर हो गया, जिसको ये गंभीर बीमारी हो गई, उनके लिए फिर कुछ ऑप्शंस होते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, और अगर कोई गांठ है तो सर्जरीज. ठीक है, ये ट्रीटमेंट हुआ. अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की. ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि हर मिनट 14 मौतें कैंसर से होती हैं. इसके अनुमान लगाएं तो हर घंटे 861 मौतें, उसके अकॉर्डिंग हर दिन में 20,800 अप्रोक्सीमेटली, उसके अकॉर्डिंग एक महीने में करीब करीब 6 लाख मौतें, और एक साल में 7.6 मिलियन पर ईयर. और आपको मैं बता दूं, ये इसमें से 70-80% वो लोग हैं जिनका कैंसर के बारे में डायग्नोसिस बना था लेट स्टेजेस में. ठीक है, ये इतनी मौत का कारण है लापरवाही, अपने आप पे ध्यान ना देना, वार्निंग साइंस को नहीं पहचानना, यही मेन कॉज है कैंसर के इतने फैलने का, इतनी मौत होने का. यदि अगर अपन इस चीज को रोक लें, कैंसर का अवेयरनेस बढ़ाएं, ठीक है, रेगुलर हेल्थ चेकअप बढ़ाएं, सेल्फ एग्जामिनेशन करें, तो इस चीज को रोका जा सकता है. ठीक है, अंत में मैं आपको एक एक शॉर्ट मैसेज, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो इस खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं. कैंसर अंत नहीं है, ठीक है, कैंसर से लड़ा जा सकता है, कैंसर से लड़ा जा सकता है और कैंसर को हराया भी जा सकता है. इस चीज में, कैंसर को हराने में थोड़ी हिम्मत और थोड़ा पेशेंस लगता है, लेकिन कैंसर को हराना मुमकिन है. थैंक यू.